चालू है कैसे? तो अब इनका सॉफ्टवेयर का आज जैसा कि आपने देखा होगा सभी से, हमने यहाँ पे पूछा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा चार दिन का, सभी से हमने यहाँ पे पूछा, तो ओवरऑल लास्ट में कैसी रही सॉफ्टवेयर की, क्या समझ में आया सारा? तो जो ऐसा तो नहीं है जो फ्रेशर स्टूडेंट थे जो पहले से काम करते हैं, कुछ उनको अलग अलग बताया गया, सबको एक जैसा बताया गया, कुछ नई चीजें सीखने को मिली। सैमसंग की बात करें, कैसा कुछ नया एक्सपीरियंस आया? सारी फाइलों की डिटेलिंग, फाइलों का नॉलेज, टूलों का नॉलेज, सब कुछ बताया गया कि नहीं बताया? तो ये लास्ट में छोटा सा रिव्यू था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपके हाथ में जो नोट्स है उसकी कितनी वैल्यू है? दिखाइएगा सभी लोग, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया यहाँ पे सभी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने बनाया हमारे चार दिन का सॉफ्टवेयर एक पन्ने में आ गया। चलिए थैंक यू सो मच, बैठ जाओ ठीक है, बंद कर दो। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम राकेश, मैं कटरा से, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से हैं, तो चलिए आप मुझे बताइए आज हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास खत्म हो रही है, तो बेसिकली आज हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास कैसी रही आज हमारी? तो अब ये छोटा छोटा एक रिव्यू है कि सारे स्टूडेंट से कि वो सीख पाए कि नहीं सीख पाए, तो एक रिव्यू वीडियो है कि देखेंगे कि इन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो फिलहाल आप बताइए, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? नहीं सर, काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते थे एज अ फ्रेशर। तो बताइए अभी भी फ्रेशर है आप? नहीं सर, अब नहीं हूँ। तो कैसा लगा ओवरऑल जो आप सोचे थे सॉफ्टवेयर का काम हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे? सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखा हमने, बहुत अच्छे तरीके से सीखा। तो वो फिर कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा चार दिन का? अपना नाम और कहाँ से? मुंबई से। अच्छा वफा जी, आप हमें ये बताइए ओवरऑल आप सॉफ्टवेयर में पहले काम करते थे? जी सर, मैं तो लैपटॉप भी नहीं चलाते, लैपटॉप भी नहीं चलाते थे। तो अभी ओवरऑल अब आप लैपटॉप चला लेंगे या नहीं चला पाएंगे? सर लैपटॉप भी चला लेंगे और सॉफ्टवेयर भी कर लेंगे, सॉफ्टवेयर भी कर लेंगे। जो आप सोच के आए थे वहाँ से, तो आपको क्या लगा था ये सॉफ्टवेयर कैसे पढ़ाया जाएगा? ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर बहुत टफ है, टफ है। दूसरे के पास में देता था तो कोई बोलता था ऑनलाइन है, दो घंटे बाद आओ, यहाँ तो सर एक सेकंड में एफआरपी रिव्यू हो जाता सर। ये झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं सर, कि आपने लाइव प्रैक्टिकल देखा? अपने हाथ से पहले दिन मैंने खुद सॉफ्टवेयर किया सर, आपने खुद से चलाया था? जी सर। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपक और मैं कर्नाटक से हूँ। दीपक जी, आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? मैं सर आज तक नहीं किया सॉफ्टवेयर में, आज तक आपने काम नहीं किया, तो ये चार दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चार दिन का सर बहुत बढ़िया, जैसे हम पहले से करते रहे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया सर, पहले से कर ऐसा एक्सपीरियंस हो गया। ओवरऑल जो आपके मन में डाउट मतलब जो सवाल थे कि अरे हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर का काम सीखेंगे, क्या आपने वो चीज पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हुआ सर, उससे ज्यादा बेटर मिला सर, बेटर मिला, विद प्रैक्टिकल मिला है? प्रैक्टिकल मिला सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से? जी सर, मेरा नाम है मुस्तफा, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए मुस्तफा जी, आप हमें बताइए, वही सबके साथ एक ही सवाल रहेगा कि वो पहले से काम करते हैं कि नहीं करते, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, यही आपसे पूछना है, ठीक है? तो क्या आप पहले काम करते थे? नहीं सर, सॉफ्टवेयर काम करते नहीं करते थे, तो ओवरऑल एकदम फ्रेशर थे। तो बताइए कैसा अभी लग रहा है आपको? सर अभी अभी भी फ्रेशर है? नहीं सर, अब फ्रेशर नहीं रहे सर, अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सालों का एक्सपीरियंस मिल गया, मिल चुका है। तो अभी तो नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर वालों से हम पूछ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनसे भी हम पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई फोन दे दिया जाए तो उसकी अनलॉकिंग कर लेंगे? बिल्कुल सर। फ्लैशिंग कर लेंगे? जी सर। कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर, पहले तो वहाँ कोई दुकान लेते थे तो ऑनलाइन होगा करके तीन तीन चार चार घंटा छुड़वा लेते थे और बोलते थे कि 250 लगेगा, 300 लगेगा, पर अब यहाँ के ऐसा लग रहा है कि बस सी बनाते थे वहाँ। चलिए ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा चार दिन का? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। कोई भी फोन आएगा मार्केट में लौटेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लौटेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे अलग बैठे हुए, अपना नाम और कहाँ से आप बताइए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है परवेज अहमद, मैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। जी जी परवेज जी, आप हमें ये बताइए कि आप सॉफ्टवेयर पहले काम करते थे? नहीं सर, मैंने मोबाइल का कोई काम नहीं किया। अच्छा, मतलब इस फील्ड में नहीं थे आप? पहली बार, अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पहले तीन दिन आपने अच्छे से पढ़ाया,
मतलब समझाए सीपीयू वाइज समझाए या ब्रांड वाइज, मतलब जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका है कैसा है? पहले तो सर अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे टीचर की तो यही मतलब ये हो जाती है कि पहचान। पहले आपने 3 दिन अच्छे से समझाया इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से इस टूल के जरिए कर सकते हैं, फिर एंड में आज आपने वो 10 मिनट में करके दिखाया। मतलब अभी वैसा कुछ नहीं है कि आप पहले दिन भी बोल सकते हैं कि 10 मिनट में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे टीचर की तो यही पहचान है कि आपने पहले समझाया, अब ओवरऑल एंड पे आपने 10 मिनट में सारा कुछ कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो उसके लिए आप ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया सर, अभी तो अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच परवेज जी। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? अर्जुन जी, अभी आप हमें ये बताइए ओवरऑल आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? मोबाइल सॉफ्टवेयर का सर काम नहीं करते थे। जी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते थे, उधर देखिए। तो आप हमें ये बताइए कि अब आपके पास कोई भी मार्केट में काम आएगा तो वो रिटर्न होगा कि आप नहीं करते? पहले हम यही लगता था कि सॉफ्टवेयर का काम बहुत मतलब हार्ड होगा, लेकिन आपने आपका जो ट्रिक है जो स्टेप आपने बताया बहुत इजी तरीके से बताया। देखिए हम कभी भी कोई भी फेक रिव्यू नहीं ले सकते, इंसान का जो नेचर होता है जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है उससे ही पता चल जाता है, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद बयां कर देता है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? समझ में आया सर, कुछ नया भी मिला कि बस पुराना ही मिला के साथ मिल रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? अच्छा महेश जी, हमें आप ये बताइए कि ओवरऑल आप पहले कितने सालों से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में? मतलब इस फील्ड में ही नहीं थे आप, दूसरे लाइन में थे, जैसा कि आपने हार्डवेयर वगैरह रिव्यू दिया हुआ है कि दूसरे फील्ड में थे, यहाँ पे ये दूसरे फील्ड में थे, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत बढ़िया, पहली बार तो मैंने लैपटॉप चलाया नहीं था, आज यहाँ आके मैंने लैपटॉप। आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ पे लाइव? प्रैक्टिकल किया। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी आपका? सर बहुत बढ़िया। अभी आपसे कोई ऑनलाइन दे दिया जाए तो उसको फाइंड आउट कर पाएंगे हमें क्या करना है कैसे करना है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम है हुसैन अली जी, बूंदी राजस्थान से। जी राजस्थान बहुत अच्छी सिटी है। तो चलिए आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं सर, सॉफ्टवेयर नहीं करता था। जी जी जी, बाकी दूसरी जगहों पे जा जाके करवाता था। दूसरी जगह जाके करवाते, फोन करते थे कि भैया ऑनलाइन है इसमें इतना लगेगा और इतना टाइम लगेगा। जी तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन का मसला रहा क्या? सर कोई मसला नहीं रहा, और फिर आपने बताया कि जो पे वाले टूल्स है जी उससे बेहतर भी है फ्री वाले टूल्स जी, कुछ है हाँ, हमें सारे टूल आने चाहिए, फ्री वाले भी आने चाहिए, पैड वाले भी आने चाहिए, ए टू जेड टूलों का नॉलेज मिला नहीं हमें। मिला सर, और उससे आपने FRP भी करी, सब करके बताया, और जो आईफोन बहुत बड़ी चीज लग रही थी जी जी, उसको तो आपने एंड्रॉइड से भी सीधा कर दिया। बहुत इजी रहा, बहुत इजी, बहुत हार्ड तो फ्लैशिंग का मेथड नहीं रहा। तो ज्यादा जो भी आपने ये चीज देखा तो प्रैक्टिकली तौर से देखा कि बस थ्योरी सर पे? प्रैक्टिकल तौर पे भी देखा, और फिर आगे हम करेंगे भी ये काम। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है। अभी आपके पास अच्छा। अभी आप मार्केट में देंगे काम अपना? नहीं सर, अपने खुद से करेंगे, वाले का अपने पास लाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए मोहम्मद जी, आप बताइए दिल्ली से? वाह वो भी बहुत अच्छा है, दिल्ली में काफी सारे इंस्टीट्यूट है। तो चलिए आज आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मीन्स पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आता था रिटर्न दे के आता, उस सॉफ्टवेयर के चक्कर में रिटर्न भी करना पड़ता था। जी जी जी, अब एक्चुअल पता चला डैड, तो आपने लाइव देखा डैड कैसे हो जाता है, कैसे क्या करते हैं अगर डैड फोन हम देते भी थे भाई सॉफ्टवेयर करते गंदा जाए, अरे डैड फोन सॉफ्टवेयर होता है नहीं, यहाँ पे पता लगा यहाँ डैड फोन की भी सॉफ्टवेयर होता है, डैड फोन हो जाता। फाइंड आउट मतलब पहले तो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझना कि हमें करना क्या है, कैसे यहाँ मिला वो यहाँ मिला मिला और मैंने आईफोन का भी फ्लैश किया। तो कैसा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? एंड्रॉइड से एक सेकंड में हो गया, एंड्रॉइड से जब किया मैंने खुद किया था। कैसा रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर, और आईफोन में जो प्रॉब्लम आते हैं जो एरर आते हैं वो भी आपने बता दिया, वो भी सब लिखवा दिया, लिखवा दिया। चलिए थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? मैं प्रदीप कुमार। जी प्रदीप जी, बताइए कि आप ओवरऑल कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? मैं सॉफ्टवेयर कर रहा था जी। कितने सालों से कर रहे? 5 साल से। चलिए बस छोटा सा सवाल, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जी, 4 दिन का एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो अभी मुझे पता लगा कि मैं कहाँ पे हो रहा था जी, दिक्कत हो रही थी जी, जी। मगर यहाँ पे आने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई तो यहाँ पे जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा भी एक्सपीरियंस होता है 5 साल का। तो पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर बहुत बेस्ट है यहाँ पे। तो आपको कुछ नया मिला यहाँ पे? बिल्कुल मिला है। ऐसा तो नहीं जो 5 साल वाला ही नॉलेज मिला? नहीं नहीं, यूट्यूब का नॉलेज तो नहीं? नहीं यूट्यूब, क्योंकि एज अ फ्रेशर मैं उनसे पूछूं तो वो नहीं बता पाएंगे, पर जो काम कर रहे हैं अगर उनसे ओवरऑल पूछा जाए तो वो तो जाहिर सी बात है बता पाएंगे। तो यूट्यूब वाला ज्ञान तो नहीं? नहीं यूट्यूब वाला कोई ज्ञान नहीं है सर। तो कुछ नया मिला है? बिल्कुल मिला है सर। चलिए थैंक यू सो मच।
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? यूपी से। तो चलिए बताइए कितने सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का? 4-5 साल। आपका भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे भी वही सवाल, 4 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अलग रहा। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब आपको कुछ कहाँ फंस रहते हैं आप, मतलब जैसे नॉर्मल सस्ते मोबाइल वगैरह जी फ्लैशिंग और अनलॉकिंग कर लेते थे। अभी कोई सा भी फोन हुआ चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें मसले फंसेंगे क्या? नहीं नहीं, सारे निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? लक्ष्मण जायसवाल, यूपी से। लक्ष्मी जी, चलिए हमें आप ये बताइए, लक्ष्मण जी सॉरी कोई नहीं, लक्ष्मण जी हमें आप ये बताइए कि ओवरऑल पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं करते थे। तो अब बताइए सॉफ्टवेयर का काम कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आप? लास्ट क्लास आज थी सॉफ्टवेयर, आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी है, पहले से बहुत हार्ड था। बहुत हार्ड लग रहा था? पढ़ाने का तरीका कैसा है? तो फ्रेशर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए सर, जिसको प्रोफेशनल बनना है उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? सर एक्सपीरियंस बोले तो बहुत बढ़िया रहा, हम तो फ्रेशर हैं इस लाइफ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लाइव भी हैं, तो क्या हम लाइव में आपसे झूठ या एडिट कर सकते हैं? सर झूठ नहीं होता, झूठ कुछ नहीं होता, जो लाइव चल रहा है वो आप प्रसारण देख लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? मेरा नाम शकलदेव कौन, बिहार से। अच्छा बिहार से आप आए हैं, तो चलिए आप बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे एज अ फ्रेशर, अब जब आप सोचे थे ऐसे टेलीकॉन ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत कुछ मिला सर यहाँ पे आके। तो अभी आपसे कोई भी फोन दे दिया जाए लाइव, तो उसका अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कर लेंगे? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई भी मोबाइल। ड्राइवर कैसे एरर है, जो फाइंड आउट है कैसे फाइल लेना है, क्या टूल लेना है, क्या वर्जन लेना है, सब कुछ क्लियर कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल पता चल गया। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ के। जी जी जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम है नीलेश, महाराष्ट्र से। नीलेश महाराष्ट्र से, बहुत अच्छी सिटी है, महानगर है वो फिलहाल। तो चलिए बताइए ओवरऑल आप कितने सालों से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर? सर दो सॉफ्टवेयर में कोई नॉलेज नहीं मुझे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करते थे? हार्डवेयर करते थे। हार्डवेयर कितने साल से करते हैं? 2 साल से हार्डवेयर कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर का जाहिर सी बात है काम आता होगा आपके? काम आता था पर दूसरी जगह देता था, दूसरे को देते थे। अब आप दूसरे को देंगे या खुद करेंगे? खुद करेंगे सर। खुद करेंगे? खुद करेंगे। मतलब बहुत टफ तो नहीं लगा और बहुत ऐसा तो नहीं बहुत पैसा खर्चा करवा रहे, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, पहले तो सोचता था कि बहुत वजह से मैं कभी मतलब इसीलिए यूज नहीं किया, खुद ही सॉफ्टवेयर करो ऐसा कभी नहीं सोचा था। जी जी, अभी तो लग रहा है कि बहुत आसान हो गए। बहुत आसान लग रहा है अभी जी सर। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई लाइव करा जाए कि चलिए इस फोन का लॉकिंग करिए, फ्लैशिंग करिए, तो कर पाएंगे आराम से सर? कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? गुजरात से, मयूर। मयूर जी गुजरात से। तो चलिए गुजरात भी बहुत अच्छी सिटी है, मौका मिला तो जरूर आएंगे। चलिए तो बताइए अपना नाम, और मयूर जी अपना नाम तो आपने बता ही दिया है, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आप काम करते थे? नहीं सर सॉफ्टवेयर का नहीं करता, बिल्कुल फ्रेशर थे। तो यहाँ पे ज्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं और काफी सालों का अनुभव भी है, उनसे हम सारा कुछ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत बढ़िया सर, सॉफ्टवेयर का भी बहुत बढ़िया है, आपने हार्डवेयर का भी दिया था 2 दिन का, वो भी बहुत बढ़िया था, आप पूरा डीपली नॉलेज शॉर्ट में ले। अच्छा तो सॉफ्टवेयर का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया? हाँ सर एकदम समझ में आया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? जितेंद्र शर्मा, मैं यूपी से। अच्छा जितेंद्र जी, तो आप हमें ये बताइए आपका कितने सालों का अनुभव है? 10 सालों का। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 सालों का अनुभव। तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आप 10 सालों से काम कर रहे हैं कहाँ पे थोड़ा फंस रहे थे आप? जो आपने सर बहुत जगह में फंस रहा था जो यहाँ जाके क्लियर हुआ है। अच्छा, आप एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए जो 10 सालों से और काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से भी काम कर रहे होंगे और कोई और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो क्या उनको सही तरीके से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो किसी के पास नहीं होता, यूट्यूब में भी नहीं होता है, वो केवल इंस्टीट्यूट में ही आके पता चला। आज आपको 10 साल में एक चीज ऐसा पता चला कि कुछ पता चला? आज की बात अगर करें, अगर बाईपास की बात करें तो क्या कुछ नया मिला? बाईपास यार मैं देख के हैरान हो गया, कैसे ऐसा भी कर सकते हैं? तो ये कहां पता चला? बाईपास में तो बहुत टाइम लगता था, मुझे याद है 1 सेकंड में हो गया बाईपास। तो ये सैमसंग, वो भी सैमसंग का मोबाइल, क्या जेटू फोन था वो? नहीं सर, M20 फोन था। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, कि जो जैसे आप 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आप बताइए उनको सही तरीके से गाइडलाइन दी जा रही है कि उनको मतलब कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है? गाइडलाइन मिल रहा है सर, एकदम जियो सिंह को हीरो बनाया जा रहा है, ये नहीं कि एकदम चढ़ा दे की बार में हीरो बना दे, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल फ्रेशर है, तो ओवरऑल इनको सही तरीके से पढ़ाएगा? एकदम सही तरीके से। हार्ड तरीका? नो नो सर ऐसा कुछ नहीं, सब समझ गया होंगे, समझ गया होंगे, कभी शॉर्ट एरर ये लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा तभी तो। यस मेरा बोलना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मैं शेख राजा कटनी से। अच्छा आप तो पास में ही है, तो चलिए आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल कितने सालों का एक्सपीरियंस है? पाँच साल का एक्सपीरियंस, तो वही आपसे का साथ में सवाल यही है कि पाँच साल का एक्सपीरियंस और ये चार दिन का एक्सपीरियंस? सर उससे भारी है क्योंकि पाँच साल फाइल डाउनलोड करने में डरते थे कि करप्ट निकलेगी क्या होगा क्या नहीं, तो टोटल एफआरपी करना चालू कर दिया था मैंने, केवल लॉग एफआरपी फ्लैशिंग नहीं करते थे, सिर्फ फाइल की वजह से बंद कर दिया था मैंने कि फाइलों की जानकारी कैसे कौन सी फाइल हमें डाउनलोड करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। सैमसंग की फाइल एक फाइल से 10 फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, तो फिर बंद ही कर दिया हमने। तो अभी सैमसंग की फाइल 10 फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, सिर्फ एक फाइल से हो जाएगा वो भी 2 मिनट में फाइंड कर। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ये सॉफ्टवेयर क्या मेरे को कई बार दूसरों को देने, मैं खुद करता था फिर भी, लेकिन मेरे को अनलॉकिंग एफआरपी अनलॉकिंग के लिए दूसरों को देना पड़ता था, और वो भी मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे, लेकिन अब मैं मेरे पास सब कुछ रहते हुए मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे को उस चीज की जानकारी नहीं थी, मेरे पास यूएमटी भी था लेकिन मेरे को वो नॉलेज नहीं था कि मैं इससे कर सकता हूँ। अब क्या बोलेंगे मार्केट में, अब मार्केट अब किसी को कोई सेट नहीं जाना चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? हिमांशु। हिमांशु जी हमें यह बताइए आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर? कई सालों का कुछ तो होगा, 8 साल। 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो चलिए आपसे एक सवाल, 8 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस, कहाँ फंस रहे थे, काफी दिक्कत आ रही थी कि चलिए हम इंस्टीट्यूट आपने, क्योंकि 8 साल आप ये भी तो सोच सकते थे अरे मेरा तो 8 साल का एक्सपीरियंस है मैं क्यों ज्वाइन करूँ, तो आपने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मतलब फिर भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी, अब सब क्लियर हो गया। तो 8 साल में यहाँ पे कुछ नया मिला आपको? बिल्कुल सर, नया मिला। ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट है उनको कैसे गाइड दी जा रही है? यही कहेंगे कि जब किसी भी स्टूडेंट को आप ज्वाइन करें तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर सीखने को मिलेगी जो आप घर कभी नहीं सीख सके। एशिया टेलीकॉम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा एक छोटा सा सवाल आपसे, सबसे एक चीज पूछ रहे हैं आपसे, एक थोड़ा अलग पूछते हैं, क्या आपका 8 साल या 10 साल वाले एक्सपीरियंस को अलग पढ़ाते हैं या फ्रेशर को अलग पढ़ाते हैं? नहीं नहीं सब साथ में, सबको एक साथ पढ़ाते हैं, सबको एक समान मानते हैं। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। घर आ जाइए, तो आइए घर आ जाइए। तो चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? रोहन, झारखंड से। तो आपसे भी ये सवाल कि आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, फ्रेशर स्टूडेंट थे बिल्कुल। तो अभी आप फ्रेशर है कि अभी भी फ्रेशर नहीं है? मुझे बहुत कुछ आया था। अभी आपसे लाइव अगर बात की जाए कि चलो एक फोन दे दिया जाए उसकी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग, तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे अभी आप? तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, मास्क उतार दो, सब चल रहा है, कॉमन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर वाले भी देख रहे होंगे कि आज आप टीवी पे हो, इसीलिए। चलिए तो अपना नाम और कहाँ से आप? जी सर मेरा नाम अमन है। अमन जी, अमन आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल पहले कितने सालों का एक्सपीरियंस आपका सॉफ्टवेयर? सर एक्सपीरियंस तो वैसे था नहीं जी, थोड़ा बहुत बस मालूम था। कितने सालों से? फिर भी 1 साल 2 साल या 3 साल कुछ तो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस। तो आपने जब इसे टेलीकॉम ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है कि आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिम्सी का फुल कोर्स आपने ज्वाइन किया है, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल कुछ चीजें नहीं मिली आपको सीखने में जो हम यूट्यूब से करते थे? तो क्या आप जो यूट्यूब से 1 साल से कर रहे थे, क्या यूट्यूब वाला ही नॉलेज है? नहीं सर, बहुत कुछ नया चीज नया मिला यहाँ पे। तो पढ़ाने का ये तरीका होना चाहिए, यूट्यूब वाला होना चाहिए? यहाँ इंस्टीट्यूट का तरीका तो अलग है सर, तरीका अलग है। पैसा बर्बाद थोड़ी ना होगा सर आपका? बर्बाद हुआ नहीं, पूरा वसूल हो रहा है, पूरा पैसा। अभी तो और वसूल होना है, अभी तो मिम्सी की भी क्लास है, मैं आगे बताऊंगा, कल से इनकी मिम्सी की क्लास चालू हो जाएगी। तो अभी जो मिम्सी से जितने भी रिलेटेड फॉल्ट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, वो सारा आप करने वाले हैं। तो ओवरऑल छोटा सा आपका एक्सपीरियंस का सर? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? शशि जी, चलिए आप हमें ये बताइए, इतना दूर आप वेस्ट बंगाल से आपने डिसीजन लिया इसे टेलीकॉम जाना है, तो क्या आपका डिसीजन सही हुआ कि नहीं? आपने हार्डवेयर किया भी सॉफ्टवेयर किया, और वो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब समझ में आ रहा है अभी आप? चलिए ठीक है, अभी बंद कर दो नहीं तो वो लाइव बंद हो जाएगा। तो जो सोचा था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर पूरा हो रहा। सॉफ्टवेयर अब ऐसा लग रहा है कर पाएंगे नहीं? अभी भी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं आपने, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अपना नाम और कहाँ से हमारे साथ एक स्टूडेंट और है?
संतोष जी महाराष्ट्र से, बहुत अच्छा महानगर है वो तो। ओवरऑल आप इतनी दूर और भी पास में नहीं ज्वाइन कर सकते थे यहाँ जोधपुर वीडियो देख करके मोटिवेट हुए तो। अच्छा ये बताइए आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे पहले, कितने सालों से कर रहे हैं? तीन सालों का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बढ़िया मीन्स मतलब आपको वो जो आप सोच रहे थे कुछ कहीं पे फंस रहे होंगे तो वो क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत नया मिला, नया मिला है आपको। तो जो काम कर रहे हैं तो क्या उनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? नहीं करना, जरूर करना चाहिए, करना चाहिए उनको ज्वाइन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और है निकासा, क्योंकि चेहरे में आप हमेशा देखेंगे तो ये हंसते ही रहते हैं। तो चलिए बताइए अपना नाम। निहाल है, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। अच्छा निहाल जी, नाम ही निहाल है तो। चलिए तो बताइए कितने सालों का एक्सपीरियंस आपका सॉफ्टवेयर? मेरा शॉप 2 साल हुआ है खुल के। 2 साल शॉप खोले हुए, सॉफ्टवेयर का काम कितने सालों से? सॉफ्टवेयर काम सर मैं ऐसा जब मन में करता हूँ, मतलब रेगुलर कंटिन्यू ऐसा कंटिन्यूअस ऐसा नहीं था, हार्डवेयर करते थे। ड्राइवर्स वगैरह नहीं मिलते थे, फिर क्रेडिट किया नहीं तो छोड़ दिया उसको। अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, अभी जाके खुद ही करिए सब। तो अभी की जरूरत ही तो यहाँ पे कोई जो एरर्स आते हैं तो उसको तो नहीं छोड़ दिया जाता या हाइड छोड़ दिया जाता? नहीं, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? तो सामने सब आपके हुआ, ऐसा तो नहीं मैं घर पे ले जाकर रूम पे ले जाकर चालू करके लाया हूँ। इधर ही हमारा लैपटॉप यूज करते हैं सर। आपका अपना, मेरा भी लैपटॉप नहीं था। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? शमशाद जी। शमशाद जी, तो चलिए ओवरऑल कितने सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का? मैं तो फिलहाल सैमसंग करता था। सैमसंग करते थे यार, तो ओवरऑल आप हमें ये बताइए सैमसंग आप करते थे, आप ऑलमोस्ट सभी फोनों का करते हैं? सभी फोनों का करना है। ऑनलाइन वाला जो बोलते हैं यार, ऑनलाइन का है ऑफलाइन है क्या मसला है? थोड़ा कुछ मसला नहीं है, बस पैसे लेन देन जानना, नॉलेज नहीं है जिसको। तो आज भी फोन कर दिए, 3 क्रेडिट कट रहा है, ऐसे कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है मार्केट में? ओवरचार्ज करने का ये तरीका था। अभी कैसा वो रियल है क्या? अभी हम लोग ऑफलाइन में सब कर लेंगे ना, ऑफलाइन कर लेंगे। कोई यहाँ पे कोई पैड वाला टूल है पैसा देके ऐसा कुछ करना पड़ेगा? 10 साल से कर उनको भी खर्च नॉलेज नहीं, हम 4 दिन में सब कुछ सीख लीजिए। पता सब है पर जैसे बोलते ना क्रम में लाने का, मतलब 1 2 3 तरीका होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा रहा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी लास्ट हमारे प्यारे, और बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं? मोहम्मद जी, यूपी से हैं। तो चलिए आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल कितने सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का? लगभग 2 साल। 2-2.5 साल से आप काम कर रहे हैं, तो 2 साल और 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए सर। 4 दिन का एक्सपीरियंस तो अगर इस टाइप से मैं चलता तो 5 साल का भी काम है, मतलब वो तो बहुत तरीक नहीं होगी। तो ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा हो, जो आपने सोचा था कि एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपने 2 मिनट में एक्सपीरियंस सारे का सारा दिया। तो अभी जो आप सोचे थे रेस रेल को ज्वाइन करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो सर? सारे का सारा नया था, आपने सारे का सारा नया ही दिया है, जो पुराना वाला था उसमें सक्सेस नहीं था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। रोक लो और इसको भी रोक दो। We'll be right back.